लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वी फॉर विनोवेटिव को और नोटिफिकेशन पाने के लिए वेल आइकन जरूर दबाइए। LIC में बड़े पैमाने पर धांधली की बात सामने आ गई है और दोस्तों CBI द्वारा LIC के 6 कर्मचारियों और एक एजेंट की गिरफ्तारी के साथ इस बैंकिंग धांधली से पर्दा उठ चुका है। CBI के मुताबिक गिरफ्तार LIC के कर्मचारियों में 2 उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल है। साथ ही इस धांधली में अभी LIC के दर्जन भर और अधिकारियों के संलिप्त होने की आशंका है, जिनकी तलाश में CBI जुट गई है। CBI के मुताबिक LIC ग्राहकों को चूना लगाने वाले इस धांधली के तार बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा और रायगढ़ सहित कई जिलों में फैले हुए हैं। CBI ने बताया कि LIC के अधिकारी एजेंटों से साठ गांठ कर ग्राहकों की बीमा पॉलिसी का भुगतान अपने खातों में डलवा लेते थे। इतना ही नहीं, कई बीमा धारकों की पॉलिसी को बैंकों में रखकर उसके एवज में लोन तक लिया गया। CBI ने बताया कि उन्हें प्रारंभिक जांच में धांधली के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर ग्राहकों को आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। CBI का कहना है कि जांच पूरी होने और मुकम्मल कार्यवाही के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि घोटालेबाजों ने आखिर कितनी रकम पर हाथ साफ किया है। फिलहाल 30 करोड़ की रकम के हेर फेर होने के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, दरअसल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की तिथि करीब आने पर कुछ बैंकों ने अपने ग्राहकों को समय पर लोन का भुगतान किए जाने को लेकर रिमाइंडर भेजा। बैंक का पत्र देखकर LIC बीमा धारक हैरत में पड़ गए। उनके मुताबिक जब उन्होंने कोई लोन ही नहीं लिया तो बैंक ने आखिर उन्हें क्यों तस्दीक किया। बैंक में दस्तक देने के बाद उन्हें पता चला कि उनके द्वारा ली गई बैंक की पॉलिसी को मॉर्गेज कर लोन जारी किया गया है। लोन की रकम भी उनके खातों में ट्रांसफ़र की गई है। बैंक अफसरों ने उनके द्वारा सौंपी गई LIC पॉलिसी भी दिखाई। इसके बाद धोखाधड़ी का शिकार हुए ग्राहक बैंक नोटिस लेकर बिलासपुर डिवीज़न के LIC दफ्तर पहुंचे, लेकिन वहां भी उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसके बाद धोखाधड़ी का शिकार हुए ग्राहकों ने CBI के आगे गुहार लगाई। तब जाकर पता चला कि बीमा कराते वक्त एजेंट पॉलिसी धारक की निजी जानकारियों से जुड़े दस्तावेज अपने पास रख लेते थे और इसी का फायदा उठाते हुए एजेंटों के जरिए LIC के अफसरों ने ग्राहकों को चूना लगाया। ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारियों से जुड़े दस्तावेजों के जरिए नई LIC पॉलिसी जारी कराई जाती और उनसे बैंक में जमा कर लोन ले लिया जाता। ज़्यादातर ग्राहकों के नाम पर 5 लाख से 15 लाख रुपए तक का लोन लिया गया और इतना ही नहीं, ग्राहकों के LIC पॉलिसी को परिपक्व यानी कि मैच्योरिटी होने से पहले ही बंद करके रकम निकाल ली गई। ग्राहकों की शिकायत मिलने के बाद CBI ने बिलासपुर, रायगढ़, मंगेली और कोरबा में LIC के कई कर्मचारियों, अधिकारियों और एजेंटों के अड्डों पर एक साथ दबिश दी। CBI की टीम में रायपुर और भोपाल के अफसर शामिल थे। CBI ने भवानी शंकर तिवारी नामक एजेंट के पास से सैकड़ों ग्राहकों के बैंक स्टेटमेंट, पहचान पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, अंक सूची, फर्जी बॉन्ड पत्र और अन्य दस्तावेज बरामद किए। CBI के मुताबिक करीब 1.5 साल से है गोरख धंधा जारी था। इस बार PNB घोटाला सामने आने के बाद तमाम बैंक अपने ग्राहकों से लोन वसूली को लेकर जोर दे रहे हैं। इस सिलसिले में LIC दफ्तर में हुआ घोटाला भी सामने आ गया है। तो दोस्तों, अगर आपने भी LIC की पॉलिसी ली है तो आप भी अपनी पॉलिसी को एक बार चेक जरूर कर लें कि कहीं किसी ने आपकी पॉलिसी को भी मॉर्गेज करके लोन तो नहीं निकाल लिया है। तो इसके लिए आप LIC के ऑफिस में जाकर ज़रूर जानकारी लें, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID को ज़रूर अपडेट कराएँ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी LIC की इस धांधली के बारे में पता चल सके। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।